एक कॉल के बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपसे बात करते हैं जी, आप मैनचेस्टर से तशरीफ लाई हैं, नाम नहीं बताना चाहते। जी वालेकुम सलाम जी, विदेशी से बात कर रही हूं। जी जी हाँ जी हाँ जी, खुश आमदीद जी। हेलो, क्या पूछेंगी जी? मेरा ना मैदे में बहुत दर्द होता है, अल्सर की तकलीफ पहले थी मगर वो बस दवाइयां तो अभी नहीं कुछ खा रही हूँ, पहले खाती थी तो अभी जलन बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे जैसे सांस में घुटन थी और बहुत दर्द बहुत होता है और दिल भी ऐसे जैसे उल्टी आ रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत दर्द बहुत होता है। अभी आपसे आशीष, आपने कुछ पूछना है इनसे? मैदे में जलन होती है, कहते हैं कि वो जो मतली की कैफियत भी होती है, मतली मींस के उल्टी आने वाली कैफियत जो होती है, वॉमिटिंग की वो होती है जी। हाँ, किसी दिन के किसी खास टाइम में? जी ज्यादा सुबह और शाम के टाइम ज्यादातर होती है, शाम के टाइम तो बहुत ज्यादा होती है, जैसे असर जैसे 4-5 से बाद 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 बाद। और क्या एज क्या है आपकी? मेरी 40। अच्छा जी, और ये कितनी देर से हो रहा है? ये तो मुझे बहुत बचपन से ही समझो जैसे 20 साल से हो रहा है, मगर ठीक हो जाता है फिर होता है, ठीक हो जाता है फिर होता है, अभी 2 साल से ठीक था, अभी फिर शुरू है। ओके ओके, तो ये आपको मुझे पूरी तरह से इसका एक्चुअली समझ नहीं आया कि आपको नौजिया, जिसे हम नौजिया कहते हैं, कि आपको उल्टी आने का मन करता है? यस जी जी, आता है मगर दर्द बहुत शदीद होता है। दर्द होता है? हाँ जी। दर्द कहाँ पे होता है? यही ना जहाँ वो मैदा अल्सर जिस जहाँ कहते हैं ना, ये अल्सर भी है उनको मैदे का? जी मुझे मैदे का अल्सर है। ओके ओके ओके, वो हाँ कितनी देर से आपको? ये मैं कह रही हूँ ना, मुझे मेरी 25 साल उम्र थी तो उस वक्त का है। ओ तब से है? हाँ जी। तो इसकी आप कोई वैसे मेडिसिन ले रही हैं? पहले खाती रहती हूँ, अभी 3-4 साल पहले खाई थी, फिर ठीक हो गई थी, अभी फिर शुरू हुई दोबारे, अभी कोई मैंने आज डॉक्टर को जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर दर्द था तो मैंने कहा चले आपसे पूछ लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू, आपको मैं अभी बता देती हूँ इसके लिए। ये मैं कह रही हूँ अगर लेमन वगैरह भी मैं लेती रहती हूँ ना वो वेट कम करके, तो उसके साथ तो नहीं कोई प्रॉब्लम होती? जी हाँ, लेमन तो आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अच्छा, लेमन नहीं लेना तो चाहिए। अलवेरा जूस भी मैंने आपसे पहले एक दफा बात की थी ना वजन के लिए, वो एलोवेरा जूस आपने रेकमेंड किया था? एलोवेरा जूस आप ले सकती हैं, इसमें इसमें भी ले सकती हैं एलोवेरा का जूस। अच्छा अच्छा, लेकिन ये जो इसका जो इशू है ये अल्सर का, ये आपको पूरी तरह से इसका डायग्नोसिस डॉक्टर से करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें कई वो पूरा एंडोस्कोपी वगैरह करेंगे जिसमें वो सारा कैमरा डाल के चेक करेंगे कि कितना है अल्सर और कितनी वो मेडिसिन कितनी देते हैं मॉडर्न मेडिसिन, वो भी आप साथ में लें। लेकिन इसमें डाइट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। अच्छा, लेमन वगैरह ना लो भाई? हाँ जी, लेमन तो बिल्कुल छोड़ देना। अच्छा। जी हाँ जी हाँ, लेमन तो आप बिल्कुल छोड़ दें, खट्टी चीज़ें एसिडिक चीज़ें जिसे हम कहते हैं खट्टाई वाली कितनी भी चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल छोड़ दें। इवन आपकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट होनी चाहिए, मीट बिल्कुल आपको कम करना चाहिए, एटलीस्ट जब ये बहुत ज़्यादा फ्लेड अप है जिसे हम कहते हैं कि इस टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, उस टाइम में तो बिल्कुल ही आप वेजिटेबल्स पे रहें। रुजू नहीं किया तो जरूर जाएं। और आपको किसने बताया कि अल्सर है ये भी? हाँ जी, अगर डॉक्टर ने बताया तो फिर तो उन्होंने ठीक जो भी उन्होंने देख के बताया। लेकिन अल्सर का ये होता है कि ये चेक करना पड़ता है कितना बढ़ गया कितना कम हो गया फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो चेक करें कि अभी कितनी इसका इशू है। तो इसके अलावा इनकी जो ये प्रॉब्लम है इसके लिए इनको हर्बलिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ अभी नहीं इनको रेकमेंड कर सकती, ये खुद नहीं खा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर से भी रुजू करें जो यहाँ पे एक तरीकेकार है, जो यहाँ पे एक सर्जरी में आप जाते हैं तो, और उसके बाद जो है आप अपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से आप ज़रूर रुजू करें, हर्बलिस्ट से ज़रूर रुजू करें। बिल्कुल ठीक है, और वक्त हमारे पास है जी अभी, मेरा ख्याल अभी चल सकते हैं। नींद से मुतल्लिक अगर आप थोड़ा सा और हमें बता रही थी। हाँ जी, इसको लेके चलें। बिल्कुल, नींद के बारे में हम उसे कहते हैं कि इंसोम्निया भी कहते हैं। इंसोम्निया वो क्या चीज़ होती है? वो मुसलसल नींद ना आना या क्या होता है वो? नींद ना आना या नींद बार बार टूट जाना, जिनको रिपेटिवली लोग उठते रहते हैं बीच में, या 3 बजे या 5 बजे लोग उठ के बैठे रहते हैं, दोबारा सो नहीं सकते। नींद में चलने की भी आदत होती है? जी हाँ, वो उसका इशू फर्क है, वो थोड़ा ज्यादा। अच्छा, वो डिफरेंट है कुछ? जी हाँ, वो डिफरेंट, पूरी तरह से डिफरेंट बीमारी है, डिफरेंट डिजीज है, उसको अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे उसे। जी हाँ बिल्कुल। आशीष, आज का हमारा टाइम खत्म हो चुका है यहीं पे, है ना? ठीक है जी, थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।